पितृ पक्ष में किया हुआ प्रत्येक सत्कर्म पितरों को प्राप्त होता है, पितृ पक्ष में किया हुआ प्रत्येक बुरा कर्म के भागीदार भी पितर होते हैं। इसलिए 15 दिन बड़ी सावधानी रखो, छौर कर्म मत करो। छौर कर्म का मतलब बाल मूछ आदि, पहले दिन कर लिया जय जय सीताराम, छौर कर्म मत करो। 15 दिन तक जो यहां पर पितृ पक्ष में बागेश्वर धाम से चलकर आए हैं, हम उनको निवेदन करेंगे, आप तो 7 दिन के लिए आए हैं पर सुन लीजिए, छौर कर्म नहीं करना है, मंत्र का जाप करना है, पितरों को बार बार ध्यान करना है, मंत्र जाप करना है, ओम पितृ देवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। अथवा इस मंत्र का जाप करिए, अनेक पितर हैं, याद नहीं है, स्मरण नहीं है, तो ओम सर्व पितृ देवा द्योताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करो। जो भी कार्य करो इस मंत्र का जाप करके करो। दान आदि करो तो पितरों को समर्पित करके, गंगा स्नान करो तो पितरों को समर्पित करो, आज की कथा श्रवण करो, जैसे ही कथा की आरती होवे तो सिर रखकर प्रणाम करें, जल की व्यवस्था हो तो ठीक, ना हो तो ऐसे मन ही मन हाथ जोड़ करके पितृ देवताओं को कथा का फल समर्पित कर दो, इससे पितरों को बड़ी शांति होती है। मान लीजिए आप कथा स्थल पर नहीं हैं, घर विराजमान होकर के कथा को सुन रहे हैं, तो आप लोग पीपल का पूजन करो, पीपल की जड़ में एक दीप प्रज्वलित करो, प्रतिदिन सफेद अथवा काला तिल समर्पित करो, और तिल का दान बड़ा महत्वपूर्ण है, तो अपने ग्राम में आचार्य को, विप्र को, भूदेव को, ब्राह्मण को, अपने पितरों के निमित्त संकल्प लेकर के अन्न दान दो, कोई रसोई चल रही हो वहां भंडारा करवा दो, कहीं इकट्ठे आचार्य हो, बालाजी की बड़ी कृपा है कि जहां अनुष्ठान चल रहा है वहां 211 आचार्य हैं, 211, तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे सभी आचार्यों को कैसा आशीर्वाद देना, जितने भी यहां कथा पंडाल में विराजमान है अथवा घर पर बैठकर कथा सुन रहे, सबके पितरों की शांति हो और सब पर पितरों की कृपा हो, ऐसा आचार्य आशीर्वाद दें। आचार्यों को दान दो, मंत्र का जाप करो, ऐसा करने से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और भागवत तो है ही है पितरों से मुक्ति दिलाने वाली, कैसी भी बाधा हो, अगर आप बड़े सिद्धांत पूर्वक, भाव पूर्वक बैठकर, नियम पूर्वक विराजमान होकर अगर आप कथा को श्रवण करेंगे तो श्री कृष्ण लोक फलप्रदाः, भागवत में स्वयं आया है, सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदाः। श्री वेदव्यास जी कहते हैं 7 दिन की कथा श्रवण करने से भगवान श्री नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन चित चोर माखन चोर मुरली वाले कन्हैया जगन्नाथ भगवान का शरण प्राप्त होती है। लेकिन बैठना बड़ी भावपूर्वक होता, आप सोचो कि हम बैठे यहां कचौड़ी गली में बढ़िया चाय पिए, मनीराम जी बजान बनारस की खई के पान बनारस वाला, यहां बैठे रहो मनीराम तुम्हारा पान खाए बनारस का, बड़ा गड़बड़। बड़े चित्त पूर्वक एकाग्रता से विराजमान होकर 7 दिन तक आप श्री ठाकुर जी की श्रीमद् भागवत कथा को भावपूर्वक आप श्रवण करो।